नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा प्लान है 22x35 का, जिसका टोटल एरिया 770 स्क्वायर फीट है, जिसमें मैंने 3 BHK का हाउस प्लान डिजाइन किया है। तो दोस्तों ये एक विलेज हाउस प्लान है, यानी गांव के लिए घर का नक्शा है, और ये पश्चिम रुखा मकान है, यानी कि पश्चिम तरफ इसका मुख है। तो ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, और ये साउथ हो जाएगा। और इस प्लान का जो मेन डोर है यहाँ से शुरू होता है, मेन डोर के पहले जो है आपको यहाँ पर बरामदा देखने को मिलेगा। जो है बरामदा है आपका, बरामदा का जो साइज मैंने लिया है ये रहेगा 10x6 फीट का। बरामदा से अटैच आपको एक बेडरूम देखने को मिलेगा, एज ए गेस्ट रूम की तरह यूज कर सकते हैं। इसका साइज 10x11 फीट 4 इंची का होने वाला है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं मेन डोर पे, मेन डोर से आगे बढ़ेंगे। तो मेन डोर के बाद जो है आपको जस्ट बगल में कॉमन टॉयलेट एंड बाथ प्रोवाइड किया गया है, जिसका साइज मैंने लिया है 5x6 फीट का लिया गया है कॉमन टॉयलेट एंड बाथ, तो काफ़ी अच्छे साइज में है। इसके बाद से आगे बढ़ेंगे तो आप आ जाएंगे सीधे स्टेयर हॉल वाले एरिया में। ये जो है हमारा बड़े साइज का स्टेयर हॉल है, 21 फीट 4 इंची जो है इसमें गहराई मिल रही है, जिसमें कि आपका 3 फीट चौड़ा स्टेयर लिया गया है तीनों तरफ से, इधर भी 3 फीट, इधर भी 3 फीट, और इधर भी 3 फीट होने वाला है। तो ये जो है क्लॉकवाइज स्टेयर है, यहाँ से स्टेयर का अप है, यहाँ से अप करेंगे तो क्लॉकवाइज होते हुए यहाँ पर आ जाएंगे, तो स्टेयर हॉल हो गया, काफ़ी अच्छा लुक देगा ये स्टेयर। इसके बाद से आगे बढ़ेंगे तो हमको किचन मिलेगा। ये जो हमारा किचन है 10x6 फीट का हमारा किचन हो जाएगा। किचन जो है साउथ, ये साउथ हो जाएगा और ये ईस्ट हो जाएगा। साउथ और ईस्ट के कॉर्नर पे किचन जो है शुभ माना जाता है, इसको अग्निकोण बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है खाना बनाना सही उत्तम माना जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर किचन बनाया है। इसके बाद से दोस्तों चलते हैं अपने स्टेयर हॉल वाले एरिया में। अटैच एक बेडरूम है, छोटा बेडरूम है ये, इसका साइज़ मैंने 10x10x4 इंची का रखा है। और इस बेडरूम के जस्ट पीछे एक और बेडरूम देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा इससे बड़ा है, तो ये 11x10 का हो जाएगा ये वाला बेडरूम। और सारे बेडरूम के दरवाजे जो है 3.5 फीट के रहने वाले हैं, ये 3.5 फीट का है, इधर भी 3.5 फीट का रहेगा, 3.6 फीट का डोर हो जाएगा इसका। तो दोस्तों ये था सब प्लान। आइए दोस्तों मैं इसका बता देता हूँ कॉलम पोजिशन, कहाँ कहाँ पर आपको कॉलम देना है। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल इसमें 12 कॉलम है। और इस प्लान की आउटर वॉल की मोटाई 9 इंची है और इनर वॉल की मोटाई 5 इंच की है, उस हिसाब से मैंने इस प्लान का जो है साइज लिखा था। अगर आपको इस प्लान को और कम बजट में बनाना है तो आप बाहरी वॉल को 5 इंच का यूज कर सकते हैं, यानी कि 5 इंच का दीवार यूज करेंगे तो ईंटे की बचत होगी, जिससे आपका कास्ट जो है बच जाएगा, तो इसमें पैसा उस तरह से बचा सकते हैं आप। बाकी विंडो जो है ये विलेज हाउस प्लान है, इसलिए मैंने चारों तरफ से इसमें विंडो प्रोवाइड कर दिया है, ताकि आपको कहीं भी जगह मिले विंडो लगाने का आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का प्लान, कैसा लगा प्लान कमेंट में बताइएगा, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।